नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू प्याज की इतनी मज़ेदार वाली सब्जी, जो आपने इस तरह से तो कभी नहीं बनाई होगी। ऐसा तरीका ज़रूर अपनाएं। उसके लिए एक इस तरह से बड़ी सी थाली ले लें। इसके अंदर 3 कच्चे आलू को छीलकर इस तरह से टुकड़ों में काट लें। 2 प्याज को छीलकर लंबा काट लें। 2 हरी मिर्ची काटकर इसके अंदर डालें। नमक स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से आलू प्याज के अंदर सभी मसालों को मिला लेंगे हाथों की मदद से। उसके बाद गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। जैसे ही गर्म हो जाए तो ये सारी चीज़ें जो हमने मिक्स करके रखी थी वो इसके अंदर आपको डाल देनी है और अच्छे से इसे मिलाना है। अब कोई भी मसाले नहीं डालने, क्योंकि हमने पहले से ही डाल दिए हैं सब मसाले। तो बस इसे अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए। उसके बाद इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं आपको इसे चेक भी करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल गया है। तो बनकर तैयार ये बहुत ही अनोखी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू प्याज की सब्जी, और इसका स्वाद सच्ची में अलग है। तो ट्राई करना, और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।